श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे एक हनुमान मंदिर के बारे में जहां पर ट्रेनें खुद ब खुद रुक जाती हैं। भले ही हमें ईश्वर के आकार प्रकार के बारे में पता ना हो पर उनकी शक्ति का एहसास हमें चारों ओर देखने को मिलता है, जिसके कारण ही करोड़ों लोगों की आशाएं एक मूर्ति के सामने आकर टिक जाती है। ऐसी एक चमत्कारिक शक्ति जिसके सामने इंसान तो क्या, तेज रफ्तार चलती ट्रेनें भी खुद खुद ब खुद धीरे धीमी होकर रुक जाती है और उन्हें प्रणाम करने के लिए रुकती है। यह जीता जागता उदाहरण है मध्य प्रदेश के साजापुर जगह पर स्थित बोलाई गांव के हनुमान जी के चमत्कारिक मंदिर, जहां पर लोगों की धारणा है कि यह मंदिर काफी बड़ा चमत्कारिक मंदिर है जो अपने आने वाली घटनाओं से पहले ही लोगों को आगाह कर देती है। बताया जाता है कि कुछ समय पहले स्थान के सामने रेलवे ट्रैक पर दो मालगाड़ी का आपस में टकरा जाने से काफी बड़ा एक्सीडेंट हो गया था। इस अनहोनी का एहसास दोनों ही ट्रेनों के ड्राइवर को पहले ही हो चुका था। वहीं ट्रेन की रफ्तार उस समय अपने आप ही धीमी होने लगी, जिसके कारण इससे किसी की जान माल की हानि नहीं हुई। हनुमान जी के मंदिर पर इस तरह के कई अनोखे चमत्कार हुए हैं जो वहां के लोगों से सुने जा सकते। इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य तो यह है कि जब भी इस मंदिर के सामने से कोई ट्रेन गुजरती है तो वह वहां पहुंचते ही खुद ब खुद धीमी हो जाती है। हर ट्रेन के ड्राइवर को इस मंदिर के चमत्कार का एहसास है और वह यहां पर पहुंचते अपनी ट्रेन की रफ्तार को कम कर देते हैं, और यदि किसी कारणवश कोई ड्राइवर भूल भी जाता है तो उसे अपने आप ही भूल का एहसास होने लगता है। हनुमान जी की इस माया को जानकर रेल ड्राइवर के साथ साथ रेलवे के अधिकारी भी इस मंदिर की महिमा को पहचानने लगे हैं। तभी तो यहाँ पर गुजरने वाली किसी भी ट्रेन किसी हादसे का शिकार नहीं होती है। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।